हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे। और आज आप संडे के बाद मंडे में अपने काम में लग गए होंगे, तो उसी काम के बाद आपको एंटरटेन करने के लिए हम आपके लिए एकदम नया मोबाइल लेके आए हैं। वो है शाओमी रेडमी K60, एकदम लेटेस्ट मोबाइल दोस्तों। फुल स्पेसिफिकेशन बताएंगे आपको इसकी, कहीं मत जाइएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको देखें और अपने हिसाब से हर ब्रांडेड मोबाइल ख़रीदें, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, जैसे शाओमी हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, कोई भी हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शाओमी रेडमी K60 के स्पेसिफिकेशंस। तो शुरू करें की स्पेसिफिकेशन से। तो रैम इसकी 8 GB है, प्रोसेसर इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, रियर कैमरा 64 MP +8 MP +2 MP है, फ्रंट कैमरा 16 MP है, बैटरी 5500 mAh है, डिस्प्ले 6.67 इंचेस यानी 16.94 सेंटीमीटर है। अभी ये लॉन्च डेट जो इसकी है दोस्तों, वो जून 21, 2023 को लॉन्च होगा, यानी 21 जून 2023 को लॉन्च हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एंड्रॉयड V13 है, कस्टम UI MIUI है। परफॉर्मेंस में चिपसेट इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 है, CPU ऑक्टाकोर 3 GHz, सिंगल कोर कॉर्टेक्स X2 +2.5 GHz, ट्राई कोर कॉर्टेक्स A710 +1.8 GHz, क्वाड कोर कॉर्टेक्स A510 है। आर्किटेक्चर इसका 64 बाइट है, फैब्रिकेशन इसका 4 nm है, ग्राफिक्स इसकी एड्रेनो 730 है, रैम इसकी 8 GB है, रैम टाइप है LPDDR5। अब डिस्प्ले में, डिस्प्ले टाइप OLED है, स्क्रीन साइज है 6.67 इंचेस यानी 16.94 सेंटीमीटर, रिजोल्यूशन है 1440x3200 pixels, एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, पिक्सल डेंसिटी 526 PPI है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87.56% है, बीजल डिस्प्ले अवेलेबल है विद पंच होल डिस्प्ले, टच स्क्रीन अवेलेबल है ही, उसके साथ साथ कैपेसिटी टच स्क्रीन मल्टी टच भी अवेलेबल है, ब्राइटनेस 1400 nits है, HDR10 और HDR+ सपोर्ट अवेलेबल है विद HDR10+, रिफ्रेश रेट इसका 120Hz है। डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो हाइट इसकी 162.7 mm है, विड्थ 75.4 mm है, थिकनेस 8.5 mm है, वेट जो है बहुत ही भारी है, ये 204 ग्राम का है। कलर है आपको ये ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वाइट में मिल जाएगा लॉन्च होने के बाद। अब कैमरे में, मेन कैमरा में कैमरा सेटअप ट्रिपल है, रिजोल्यूशन है 64 MP, 8 MP, 2 MP, ऑटो फोकस और OIS अवेलेबल है, फ्लैश अवेलेबल है विद डुअल कलर LED फ्लैश, इमेज रिजोल्यूशन 9000x7000 pixels है, सेटिंग्स में एक्सपोजर कंपनसेशन मिल जाएगा आपको, शूटिंग मोड्स में कॉन्टीन्यूस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड HDR मिल जाएगा आपको। कैमरे में कौन कौन से फीचर्स हैं, तो वो है डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको तीन तरह से मिलेगी, एक होगी 7680x4320x24 FPS, एक होगी 3840x2160x30 FPS, और अगली होगी आखिरी 1920x1080x60 FPS। अब फ्रंट कैमरा में कैमरा सेटअप सिंगल है, रिजोल्यूशन 16 MP है, और ख़ास बात यह कि दोस्तों शाओमी रेडमी के 60 में फ्रंट कैमरा में फ्लैश है, स्क्रीन फ्लैश के साथ। इसमें दो तरह से रिकॉर्डिंग हो सकती है, एक होगी 1920x1080x30 FPS, अगली होगी 1280x720x30 FPS। अब बैटरी में कैपेसिटी इसकी 5500 mAh है, टाइप लिथियम पॉलीमर, रिमूवेबल नहीं है, वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, क्विक चार्जिंग अवेलेबल है, फ्लैश है 67W की, USB Type-C अवेलेबल है, इंटरनल मेमोरी 128 GB, एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है, USB OTG अवेलेबल है, सिम स्लॉट में डुअल सिम GSM+GSM अवेलेबल है, सिम साइज में सिम 1 सिम 2 दोनों नैनो है, नेटवर्क सपोर्ट में इंडिया में 5G 4G 3G 2G सपोर्ट करेगा, अवेलेबल है वोल्ट भी, सिम 1 सिम 2 में 5G 4G 3G 2G के बैंड्स और GPRS Edge अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है विद Wi-Fi 6, 5 GHz का मीमो वाईफाई फीचर्स में, वाईफाई डायरेक्ट मोबाइल हॉटस्पॉट मिल जाएगा आपको। अब ब्लूटूथ की बात करें दोस्तों, तो अवेलेबल है इसमें V5.3 वर्जन में, GPS अवेलेबल है विद AGPS ग्लोनास, NFC अवेलेबल है, USB कनेक्टिविटी, माई मास स्टोरेज डिवाइस, USB चार्जिंग मिल जाएगा आपको, मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर अवेलेबल है, USB टाइप सी है इसका ऑडियो जैक, सेंसर्स में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन ऑन स्क्रीन है, फिंगरप्रिंट सेंसर टाइप ऑप्टिकल है। अदर सेंसर में आपको इस मोबाइल में लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, गायरोस्कोप मिल जाएंगे। अब बात करें इसकी प्राइस की दोस्तों, इतने ब्रांड न्यू स्पेसिफिकेशंस के साथ, इतने प्रकार की वैरायटी कलर के साथ, ये आपको सिर्फ
29,790 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें वीडियो और पिक्चर्स खींचने पर, वीडियो बनाने पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वीडियो और पिक्चर आती हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर वीडियो आती हैं, दूर की चीज़ भी इसमें काफ़ी क्लियर आती है। और इसकी जो दोस्तों हीटिंग कैपेसिटी, वो हीट बिल्कुल नहीं करता, चाहे इसको जितना यूज़ करें। और हैंगिंग इसमें मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम होती है। शाओमी ने बेस्ट इस मोबाइल को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, और ये जैसे लॉन्च होगा आपको ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ग्रे कलर में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से मोबाइल पर आपको अपडेट चाहिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।